नमस्कार दोस्तों, आज हम साल्वेज के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो टॉपिक है साल्वेज, इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन एंड टाइप ऑफ जो डैमेज होता है वो, उसको हम डैमेज को कितने प्रकार से बांटते हैं ये देखेंगे। अकॉर्डिंग टू BIS साल्वेज क्या होता है, एंड प्रिवेंशन टू डायरेक्ट डैमेज एंड प्रिवेंशन टू इनडायरेक्ट डैमेज। जो डैमेज होते हैं वो दो टाइप के हैं, उसमें से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो डैमेज है उसके बारे में हम इसमें जानेंगे, क्या प्रिवेंशन हमें लेना चाहिए एंड फायर फाइटिंग के समय हमको कैसे साल्वेज को उपयोग करते हैं, और कुछ साल्वेज टूल्स है, डाउलीज है, हुपर है एंड डिफरेंट टाइप के ऑफ साल्वेज सीट्स हैं, इनके बारे में हम करेंगे। और उसके बाद ये साल्वेज प्रक्रिया हो जाने के बाद फिर हमको क्या करना है ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं साल्वेज। तो साल्वेज के बारे में इंट्रोडक्शन, उसकी परिचय जान लेते हैं। साल्वेज एक क्रिया है जो अग्नि दुर्घटना के समय आग से सीधे जलने के अतिरिक्त अन्य कारणों जैसे गर्मी, धुआं, पानी और मलबा गिरने से होने वाले नुकसान को साल्वेज यंत्रों द्वारा बचाने या कम करने की कोशिश करते हैं, इसको हम साल्वेज कहते हैं। साल्वेज को हम परिभाषित कर सकते हैं, दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं, आग पर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो नुकसान होता है उसे हम नुकसान होता है उसको हमको ना होने देना। और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो नुकसान होता है आग से, उसे ना होने देने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, साल्वेज कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं आग से नुकसान भाग, डायरेक्ट डैमेज और इनडायरेक्ट डैमेज। तो क्या होता है डायरेक्ट डैमेज में, क्या होता है आग लगने पर जो आग द्वारा डायरेक्ट जो फायर से जो नुकसान होता है उसको हम डायरेक्ट डैमेज कहते हैं। इनडायरेक्ट डैमेज क्या है, आग लगने पर जो धुआं निकलती है, वहां की गर्मी होती है और हमारे द्वारा तोड़ फोड़ किया जाता है, पानी का जेट स्प्रे हम करते हैं, तो उससे जो नुकसान होता है उसे इनडायरेक्ट डैमेज हम कहते हैं। इसके बाद आग लगने के बाद साल्वेज कार्य कैसे किया जाता है, टोटल हम पांच तरीके से करते हैं। कवरिंग करके किसी चीज, वहां पे फायर एरिया को हम जो डैमेज होने वाला सामान है उसको हम कवर करके, रिमूविंग उसको वहां से हटा के हम रिमूव करके प्रक्रिया कर सकते, साल्वेज हम कर सकते हैं। बाद है ड्रेनिंग, वहाँ पे फायर फाइटिंग करते हैं तो वहाँ पे पानी स्टोरेज हो जाता है, तो उस पानी को हम वहाँ से ड्रेन करके साल्वेज सामान को खराब होने से बचा सकते हैं। फिर वेंटिलेटिंग, वेंटिलेशनिंग में क्या होता है कि हमको जो धुआं हो और जो हीट रहती है वहाँ की, तो उसको वेंटिलेट करके कहीं से एग्जॉस्ट बना के या एग्जॉस्ट फोन, ब्लोअर, ये सब यूज करके हम वहाँ पे वेंटिलेशन करते हैं। जनरल पर्पस जो हमको सही लगे उसको हम देख के साल्वेज प्रक्रिया प्रेजेंट ऑफ माइंड के हिसाब से हम करते हैं। BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के विशेषज्ञों के अनुसार डायरेक्ट हानि 25% होती है और इनडायरेक्ट 75%। तो आग से जो इनडायरेक्ट जो गर्मी, धुआं, पानी से ज्यादा नुकसान होता है, तो इन नुकसान को हम कम करने के लिए तीन भागों में बांटा गया है। आग लगने बिफोर फायर, फायर से पहले आग लगने पर तुरंत कीमती सामान को बचाना, ड्यूरिंग फायर आग लगने के दौरान आग लगी हुई जगह पर कीमती सामान पर कम से कम पानी या स्प्रे का उपयोग करके बचाया जा सकता है। उसके बाद थर्ड मेथड है आफ्टर फायर, आग बुझाने के बाद, आग बुझाने के बाद कीमती सामान है उसको उस जगह से हटाकर दूसरी जगह सुनिश्चित रखें, पानी निकालने के लिए तुरंत व्यवस्था बनाएं, आग बुझाते समय उस जगह भी गंद इकट्ठा हुआ हो तो उसे तुरंत हटा दें। इस तरीके से हम BIS ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड को फॉलो करके हम साल्वेज वर्क कर सकते हैं। फिर उसके बाद साल्वेज कवर आते हैं, तीन टाइप के साल्वेज कवर होते हैं, रबर कोटिंग कवर, कैनवास कवर एंड प्लास्टिक फैब्रिकेशन शीट। ये जो होते हैं ये डिफरेंट डिफरेंट साइज के हम
हमारे पास अवेलेबल रहता है। 12 by 10, 12 by 8, 12 into 12 foot, 12 into 15 foot साइज के होते हैं। इसको हमको जितने एरिया कवर करना है उसके हिसाब से हम इसको लगा सकते हैं। उसके बाद हम प्रयोग याद क्या मेथड है, कैच ऑल मेथड, डोलीज मेथड और होपर्स। ये जो पहला पिक्चर आप देख रहे हैं इसे कैच मतलब उसको कवर पकड़ के कैच और कैच को पकड़ के आप फैला के उसको ये प्रक्रिया उपयोग कर सकते हैं। डॉलीज एक फायर होस होता है, उसमें जो डैमेज हो जाता है उसके अंदर उडन या सैंड जो रेत रहता है उसको उसमें भर के पैक करके एक तकिया नुमा छोटे छोटे कट करके बना देते हैं जिसे डॉलीज कहते हैं। उसके बाद होपर एक चाड़ी जो रहता है जिसको बोलते हैं हम लोकल भाषा में फनल या चाड़ी बोल सकते हैं, उस टाइप से रहता है लेकिन बड़ा पैमाने में ये जैसा आपने पिक्चर में देख रहा है इस टाइप से रहेगा। और इसमें एक ड्रेन और ड्रेन नीचे से बॉटम से एक ड्रेन यहाँ से निकला हुआ रहेगा, वो सीधा आउटलेट ड्रेन करके पानी बाहर हम उसको कर सकते हैं। तो ये होता है सालवेज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।